आपने मदर टेरेसा के बारे में सब अच्छा अच्छा ही सुना होगा कि वो बड़ी नेक औरत थी जो मैसेडोनिया से भारत इसलिए आई ताकि गरीब और लाचार लोगों की मदद कर सके, जिसके बाद उन्होंने दुनिया भर में मिशनरीज खोली और लोगों की मदद करने लगी, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला और ईसाई धर्म में उन्हें संत का दर्जा भी दिया गया। लेकिन आज मैं आपको उनके बारे में कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स बताऊंगा जिसके बाद शायद आप उन्हें संत कहना छोड़ देंगे। दोस्तों, मदर टेरेसा गरीब लोगों को सहारा देती थी, साथ ही उनका इलाज भी करवाती थी, लेकिन इसके पीछे उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों का धन परिवर्तन करवाना होता था। इसके अलावा वो अपने ननों को खुद पर कोरे बरसाने के लिए कहती थी ताकि वो ऐसा महसूस करे कि वो कितनी पापी हैं। इसके साथ ही वो खाना उन्हीं 200-400 लोगों को दिया करती थी जिन्होंने अपना धन परिवर्तन करा लिया हो। लेकिन आपने तो यही सुना होगा कि वो रोज हजारों लोगों को खाना खिलाया करती थी। अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि वो संत थी या नहीं।